नमस्कार दोस्तों, मिंटू लॉग चैनल में आपका स्वागत है। आज के लॉग में हम आपको ले चलते हैं सिहावा, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के अवसर पर धमतरी जिले के सिहावा क्षेत्र सर्व यादव समाज द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाला गया। यह शोभा यात्रा स्वयंभू माँ शीतला प्रांगण में स्थापित श्री राधा कृष्ण मंदिर से होते हुए भीतर रास पहुँचा, जिसके बाद सिहावा की बस्ती का भ्रमण किया गया। इस भव्य कलश यात्रा में यादव समाज के द्वारा बाल कृष्ण, श्री कृष्ण जी के भजन और जय कन्हैया लाल की जयकारा के साथ आतिशबाजी करते हुए भव्य प्रदर्शन किया गया, जिसमें सर्व यादव समाज की मातृशक्ति, समाज के बुजुर्ग, युवा, बच्चों ने भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कलश यात्रा का संदेश यह था कि जिस तरह द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने गौ वंश की रक्षा और पालन करते हुए दूध दही पीयूष की धारा बहाई थी, उसी तरह हमारा यादव समाज नशा मुक्त होकर समाज में यह अच्छा संदेश देने हेतु प्रोत्साहित किए। इस कार्यक्रम में सिहावा क्षेत्र के पदाधिकारी सर्व यादव समाज उपस्थित थे। चरण छुह के अभिलाल तारे राम तारे तारे सियारा
कार्यक्रम में सिहावा क्षेत्र के पदाधिकारी सर्व यादव समाज के अध्यक्ष श्री नंद कुमार यादव जी, सर्व यादव समाज सचिव माधव यादव, सिहावा क्षेत्र अध्यक्ष जयराम यादव, सचिव श्री राम दयाल यादव, कोषाध्यक्ष श्री गेंदू राम यादव, श्री गोवर्धन यादव, सदा राम जी यादव, संत यादव, राम कुमार यादव, सुनाराम यादव, चंद यादव, नरेश यादव, साथ ही युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष श्री डी के यादव, सचिव श्री श्रवण यादव, दानिश यादव, कचरू राम यादव, संगठन मंत्री जीवन यादव, देवव्रत यादव, हरि यादव, प्रमोद यादव, पिंटू, गोवर्धन, सतीश गिरी, मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र यादव, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष श्रीमती एमिन यादव, सचिव अमृतिका यादव, श्यामबाई यादव, राज यादव, राधिका भानकी, ज्ञानबाई, सुभद्रा, दुर्गा एवं समस्त यादव परिवार के भाई बहन का योगदान सराहनीय रहा, जिसमें समाज के पदाधिकारियों ने समस्त क्षेत्रवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की शुभकामनाएं संप्रेषित किए। ये छोटे मना गुदा चलो रेंगो तो